हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और कम दिन बचा हुआ है तो एक एक सेट डेली प्रोवाइड करेंगे। तो देर ना करते हुए फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका दूसरा बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कहेगा तो एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका सही आंसर विकिरण के कारण हो जाएगा, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो किसका सही है तो बी हो जाएगा, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, ए सही है। और जाड़े में वर्षा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। दामोदर नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद कह रहा है कि खरीफ फसलों को खाली स्थान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वर्षा। खरीफ फसल जो धान उन होता है वर्षा के समय। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नीली क्रांति से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा, क्या 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नो नंबर क्वेश्चन करा है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो नो का सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। करा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट है उत्तर प्रदेश में 80, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र हो जाएगा 48 है, और फिर तीसरे नंबर में पश्चिम बंगाल 42 है, तो महाराष्ट्र में याद रखेगा 48 और पश्चिम बंगाल में 42। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिश्रित है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है कैसा है, मिश्रित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है, थोड़ा सा भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, मिश्रित यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अस्तित्व, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो 15 का सही आंसर एक हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय आय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद कर रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो कथकली कहाँ हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, कथकली कहेगा तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर अरावली की पहाड़ियां हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी। उसके बाद करा बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में पृथक हुआ था, 1912 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। उसके बाद करा निम्न में से कौन सी मीठे पानी के झील नहीं है,
यानी कि पूछ रहा है हमसे खारे पानी का, तो डी सांभर झील है जो राजस्थान में खारे पानी का झील है। करा निम्न में कौन से एक फलीदार फसल है, तो 23 का सही आंसर एक हो जाएगा दाल है जो फलीदार फसल में आता है। करा दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, 24 का सी हो जाएगा जमुना नदी के किनारे। करा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्तमान में 34 है, 33 गुण और एक मुख, अब मुख में भी है डी वाई चंचूड़ है 50वें नंबर के। यहाँ पर एक मैथ है तो इसको आप बनाइएगा, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का भी मैथ है, सिंपल ही है, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा कोशिश करेंगे कि जो मैथ 10 को रहेगा तो इसको हम एक छोटा वीडियो में ही अपलोड कर देंगे। 28 का सही आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा निकालिएगा। तो 29 से चलिए, 29 में कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अतः कमरे में थोड़ा सा यानी कि गर्म कर सकते हैं, यानी कि गर्म हो जाएगा। करा किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से, तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेड से हो जाएगा। वायु एक है, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, वायु मिश्रण है। उसके बाद कह रहा है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु किसका मिश्रण है, सी हो जाएगा पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का प्रकार है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बिटुमिनस, कोयले के समान प्रकार का रहा है तो बिटुमिनस हो जाएगा। कोयला में सबसे अच्छा कोयला होता है जो एंथ्रासाइट होता है, और समान प्रकार का बिटुमिनस हो जाएगा। स्वर्ण का आण्विक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AU सोना का हो जाएगा। और कह रहा है पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जस जल, जस जाइलम करेगा, फूड वुड यानी भोजन का फ्लोएम करेगा, तो इसका सही आंसर सी। कह रहा है माँ भाती की पौधे, भाती पौधा मिलता है कहाँ से मिलेगा, तो कह रहा है बीज से, कटा हुआ तना से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से दोनों से प्राप्त हो जाएगा। करा विकास का मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्राकृतिक वरण हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैथ है, तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ही निकालिएगा तो। और 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। 41 का सही आंसर, करा निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन के शक्तिशाली स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हवा हो जाएगा। उसके बाद भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी, तो इसका सही आंसर की यानी कि सी हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। करा हम्पी के खंडर किस राज्य में है, तो कर्नाटका में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कृष्ण छिद यानी कि अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है, तो यानी कि अतिच्युक्त घनत्व हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, तो 46 का डी हो जाएगा, कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है दिल्ली संतलत में जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। करा अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो 48 का सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। उसके बाद करा क्वेश्चन में कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के समय में। उसके बाद करा है श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो 50 का सही आंसर एक हो जाएगा,
डॉक्टर वीजी कुरियन को। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। इसका सही आंसर से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, जबकि भारत रत्न 1954 में मिला था। अल्फांसो है तो अल्फांसो क्या है? 52 का सही आंसर डी हो जाएगा, आम का किस्म हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। 53 का सही आंसर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। कह रहा है शक संबंध में 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट होता है, तो 54 का सही आंसर एक हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वाचंद बोस। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, तो 56 का सही आंसर एक हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो यानी कृषि विविधता इको फ्रेंडली है, याद रखिएगा, इसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? 57 का सही आंसर भी विदेशी पूंजी की दुर्लभता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नलाईरम काव्य संग्रह में खाली स्थान का श्रेय है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 12 अलवर। उसके बाद कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 18 अप्रैल को। OIC का अर्थ है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी, तो 61 का सही आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। उसके बाद कह रहा है कि पीली क्रांति शब्द किसकी सबसे बड़ी मात्रा में उत्पत्ति वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर पीली क्रांति खाद्य तेल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वदेश विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है, तो 63 का भी हो जाएगा, मध्यम दूरी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। उसके बाद कह रहा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर भी यानी कि सी हो जाएगा, बिहार में है, बिहार में। उसके बाद कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रांबे महाराष्ट्र में। उसके बाद कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नवादा। कह रहा है कि राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होती है, तो 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल। कह रहा है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। कह रहा है क्वेश्चन में कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो 69 का कौन असत्य है, तो जल में अत्यधिक विलय होता है, यही गलत है, विलय नहीं होता है, और वकी सही है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो क्या हो जाएगा, खोखली होती है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 1 हो जाएगा यानी कि 29 हो जाएगा, ये सब ग्रुपिंग डिस्कशन में कराया हुआ है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर भी डहेलिया के जड़ से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रेफ्लेसिया हो जाएगा, रेफ्लेसिया, और ये रेफ्लेसिया जो परागण होता है हाथी के द्वारा होता है। उसके बाद कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी एना के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो, तो उसका फोकस दूरी होगी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, निकालिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पानी की घनत्व अधिकतम होता है, इसका सही आंसर भी
चार डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम या न्यूनतम कहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। कह रहा है ध्वनि की यानी कि ध्वनि वायु में वेग अनुमानता है तो 77 का C हो जाएगा 330 या 332 मीटर पर सेकेंड देता है। उसके बाद कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है 78 का C हो जाएगा तरंग और कण दोनों के समान होता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। शुष्क बर्फ तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैथ है तो 80 का सही आंसर बी हो जाएगा निकालिएगा तो। उसके बाद 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 83 का सही आंसर बी हो जाएगा। और जैसा कहिएगा तो हम कमेंट में कीजिएगा तो हम जितना मैथ है उसको हम सॉल्यूशन करके भी अपलोड करेंगे। तो 84 का सही आंसर डी हो जाएगा। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो 84 का D हो जाएगा। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा करें भारत ने निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो कौन नहीं आएगा डी टिस्को नहीं आता है और बाकी ये तीनों है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत विश्व के दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है किस चीज़ में तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा चाय में। भारत और श्रीलंका को खाली स्थान के द्वारा विभाजित किया जाता है 87 का C हो जाएगा पाक जल डमरूमत। अब यहाँ पर 10 इंग्लिश है तो इसको हम आंसर टिक लगाते चलते हैं तो 88 का सही आंसर C हो जाएगा। उसके बाद 89 का सही आंसर C हो जाएगा। 90 का आप इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 की बात करेंगे तो 91 का सही आंसर B हो जाएगा। 92 कह रहा है बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिला में स्थित है तो बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं तो क्या है तो 1 हो जाएगा पर्वतारोही हो जाएगा बिहार के हैं। उसके बाद कह रहा है हिंदी कुछ दिया हुआ रहता है तो इसमें कह रहा है शब्द का विलोम चुने द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा तो मंथर हो जाएगा 94 का C। उसके बाद यहाँ मुहावरा दिया हुआ है तो कह रहा है कि जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है कथा के बैगन 95 का सही आंसर D हो जाएगा। केवल दूसरों के लिए उपदेश 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा वह बात तो जन यानी कि साधारण में चलती आ रही है इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए तो 96 का सही आंसर 1 हो जाएगा किंवदंती हो जाएगा। 97 का सही आंसर तो कराए खाली स्थान से गहरे बनते हैं तो सी हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं यानी कि गहने कैसे बनेगा तो सोने से। 97 का यहाँ पर सोना भी लिखा हुआ है ये सोना सोने वाला होगा यहाँ सोना पहनने वाला है सी हो जाएगा सोने। करा आँख लगना मुहावरे का अर्थ तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा झपकी आना। उसके बाद 99 का सही आंसर यहाँ पर देखना है त्रुटि नहीं है विकल्प चुने कराया स्टेशन पहुँचते ही वह फोन कर दिया तो यहाँ देखना है शुरू क्वेश्चन दिए गए वाक में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उस तो कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प को चुने तो स्टेशन पहुँचते ही वह फोन कर दिया तो 99 का C हो जाएगा वह हो जाएगा। उसके बाद 100 का समान नियम के विरुद्ध बात यानी कि वाक्यांक के लिए एक शब्द होगा तो इसका सही आंसर 1 होगा अपवाद हो जाएगा। तो बस एक सेट रिवाइज कर दिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से वीडियो डेली चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके सेट जरूर लगाइए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद जय भारत।